Assalamu alaikum student. Today our topic is SLO number 10.2.3. In this SLO we are going to differentiate between mechanical wave and electromagnetic wave. Mechanical wave ऐसी wave होती हैं जिनको एक place से दूसरे place travel करने के लिए एक material medium चाहिए होता है. Material medium means चाहे वो material medium solid में हो, liquid में हो या gaseous state में हो, किसी भी तरह का medium होना चाहिए. अगर medium नहीं है तो mechanical wave एक place से दूसरे place तक transfer नहीं हो सकती, travel नहीं कर सकती. जबकि electromagnetic waves ऐसी wave होती हैं जिनको travel करने के लिए या propagate होने के लिए कोई medium की requirement नहीं होती है. Second point, mechanical wave तब produce होती हैं जब हम किसी medium को डिस्टर्ब करें. मीडियम को डिस्टर्ब करने से मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और इनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन की वजह से मैकेनिकल वेव्स क्रिएट होती हैं. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करना पड़ता है. अगर वो चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो जाती हैं तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है. अच्छा, मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस लाइट वेव. लाइट वेव की स्पीड आपको पता है कि 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, इसमें मैकेनिकल वेव के अंदर एनर्जी जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में विदाउट ब्रेक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफर हो जाती है. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी जो होती है पैकेजेस में, छोटे छोटे पैकेट्स में, एक डिस्क्रीट फॉर्म में, क्वांटाइज फॉर्म में ट्रेवल कर जाती है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव की. मैकेनिकल वेव हमारे पास एग्जांपल में आते हैं, साउंड वेव है, वाटर वेव है, वेव प्रोड्यूस इन अ रोप और स्ट्रिंग वगैरह में जो वेव जनरेट होती हैं उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एग्जांपल है उनमें लाइट वेव है, हीट वेव है, रेडियो वेव है. तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं उनके लिए कोई मीडियम नहीं होता है, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, जो ब्लू कलर में वेव है वो इलेक्ट्रिक वेव है, जबकि रेड कलर में जो वेव है वो मैग्नेटिक वेव है. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव अगर आप गौर से देखें तो दोनों के बीच में 90 का एंगल बनता है और जो वेव का जो डायरेक्शन है वो इन दोनों पे फिर अगेन 90 का डायरेक्शन बन जाता है. मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेव है वो वर्टिकल है, जबकि हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो वेव है वो मैग्नेटिक वेव है, फिर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलरली वेव का डायरेक्शन होता है. अब इसी तरह हमारे पास ये जो है ये वेव है, ये मैकेनिकल वेव है. मैकेनिकल वेव में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसको अप एंड डाउन अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल वेव जनरेट होती है. और ये मैकेनिकल वेव अगर ये मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव क्रिएट नहीं होती है. इसी तरह हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं. ये हमारे पास ये जो एक है स्लिंग की स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर हम पुश एंड पुल करें तो इसके अंदर भी वेव जनरेट होती हैं. जैसे कि हमारे पास इसकी जो जनरेशन है वो कुछ यहाँ पे ये रहा. अब देखें इसको पुश एंड पुल करने पे जो वेव जनरेट होती हैं वो स्प्रिंग के एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं. तो ये इनके लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो रोप हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो. जैसे कि एयर की जो एग्जांपल है यहाँ पे देखें, ये एयर की जो पार्टिकल्स हैं अगर आप रेड पार्टिकल को गौर से देखें तो ये जस्ट वाइब्रेट होता है लेफ्ट टू राइट, बाकी ये उसी अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे एंड तक नहीं चला जाते. बस वेव की जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होकर एनर्जी निकल जाती है आगे, पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव नहीं करते हैं. तो ये था हमारे पास एसलो नंबर 10.2.3. अब जो हमारे पास नेक्स्ट एसलो है इसमें हमने आइडेंटिफाई करनी है कि ट्रांसवर्स वेव और लंगिट्यूडनल वेव को. बेसिकली ट्रांसवर्स वेव और लंगिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव की दो ब्रांचेस हैं या दो टाइप्स हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव को. ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है
जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन शो करते हैं जब वेव किसी डायरेक्शन में मूव करें। फॉर एग्जांपल, अगर वेव हॉरिजॉन्टली मूव करें तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वर्टिकली वाइब्रेट करें, और अगर वेव जो है वर्टिकल मूव करें तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव करें, तो इनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव की कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि पानी की लेयर्स हैं, वाटर वेव्स हैं, वो मूव करती हैं, तो जो एक डक है वो अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे ये जो डक है वो अपनी पोजिशन को छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे, जस्ट वेव ट्रेवल होती हैं तो उसकी वाइब्रेशन अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। ये वाटर वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज वेव लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, जबकि हमारे पास डक है वो अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रही है। इसी तरह इस वेव में देखें, ये वेव जनरेटेड इन अ रोप है, हमने इस रोप के एक एंड को अप एंड डाउन मूवमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से इस रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव होते हैं, जबकि वेव देखें आप, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ वेव जनरेट होकर वेव आगे की तरफ जा रही है, जस्ट पार्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहे हैं। वर्टिकली अप एंड डाउन वेव हॉरिजॉन्टल मूव करती है, जबकि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहे हैं। अगर इस तरह का वेव हो तो वी कॉल इट एज अ ट्रांसवर्स वेव। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक और बात नोट करें कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है उससे ऊपर की तरफ जो बल्जेस हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं, और सेंट्रल पॉइंट से जो डाउनवर्ड बल्ज बन जाते हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ में मूव करती है, जबकि दूसरी वेव होती है वो ऐसा मूवमेंट शो नहीं करती है। इनकी एग्जांपल्स, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स, वाटर वेव हैं, वेव प्रोड्यूस ऑन स्लिंकी स्ट्रिंग है, वेव ऑन स्ट्रिंग है, और अर्थक्वेक वेव्स हैं, और इस तरह की जो वेव होती हैं जो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में मूव करती हैं उनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास लंगीट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये भी मैकेनिकल वेव की एक टाइप है। इन लंगीट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो भी उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करेंगे। दिस वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लंगीट्यूडनल वेव जो होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे ट्रेवल कर जाती हैं, इसीलिए हम इसको लंगीट्यूडनल वेव को कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल है साउंड वेव, वाटर वेव, और साउंड वेव, वेव प्रोड्यूस इन स्लिंकी स्प्रिंग, अर्थक्वेक वेव और अर्थवर्म वगैरह की जो मूवमेंट होती है उनको भी हम लंगीट्यूडनल वेव कंसिडर करते हैं। अब देखिए हमारे पास लंगीट्यूडनल वेव में ये जो स्प्रिंग है, देखें तो जैसे ही वो बैक एंड फोर्थ पुश करता है स्प्रिंग को, तो वहां पे रेयरफैक्शन मींस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में वेव जनरेट होकर आगे की तरफ मूव करती है। अच्छा, कंप्रेशन का मतलब वो पॉइंट्स जहां पे वेव्स की जो स्प्रिंग के जो पॉइंट्स हैं या वो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब हो हम उनको कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पे एक दूसरे से दूर हो उनको हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो पॉइंट्स जहां पे स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे के करीब है ये कंप्रेशन हैं, और जहां पे फैले हुए हैं उनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास एक लंगीट्यूडनल वेव है, इस वेव में पार्टिकल्स जो हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करते हैं, और एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर होते होते दूसरे एंड तक चली जाती है, बट पार्टिकल ऑफ द मीडियम उसी पॉइंट पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। ये देखें, ये भी हमारे पास ये साउंड वेव की एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से एनर्जी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रांसफर करवा देती हैं, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में होता है ये जो एनर्जी ट्रेवल करती है, इसीलिए हम इसको कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। और ये देखिए साउंड वेव, यहाँ से सोर्स से साउंड क्रिएट होती है और फिर वहाँ पे पार्टिकल्स कभी एक दूसरे के करीब आते हैं फिर फैल जाते हैं।